हम हवा में खेती नहीं कर सकते या घरों में खेती नहीं कर सकते। खेती कहाँ होगी? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर ही होगी खेती, या मिट्टी से अलग भी हो सकती है? गेहूं अलग पैदा कर सकते हैं क्या? हैं? नहीं होने का। हम अपने शरीर की कितनी रक्षा करते हैं? सुबह को नहाएंगे भी, मंजन भी करेंगे, पानी भी पियेंगे, डॉक्टर बता दे कोई चीज उसको भी खाएंगे, दूध भी पियेंगे, घी भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम अपनी इस मिट्टी के लिए क्या करते हैं? धान लगाएंगे, धान के बाद समय नहीं मिलता, फटाफट गेहूं लगाएंगे, गेहूं कटा, फिर अगले धान की तैयारी। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट यानी कि 600 सेकंड में बात ये रखूंगा कि अब गेहूं कटाई उपरांत हम क्या करें। ठीक है, सुनने के लिए तैयार हैं? 600 सेकंड। पहली चीज, गेहूं कटने के बाद बहुत से किसान ऐसे होंगे जो अपने गेहूं की कटाई किससे कराएंगे? मशीन से, कंबाइन से गेहूं की कटाई कराएंगे। तो जब गेहूं की कटाई हम कंबाइन से कराएंगे तो क्या रह जाएगा? उसका अवशेष रह जाएगा। कुछ लोग भूसा बनवा लेंगे, कुछ लोग उसका जो ठूंट रह जाएगा उसमें आग लगाएंगे। तो हमें आग नहीं लगानी है, उससे हम दो नुकसान कर रहे हैं। पहला नुकसान तो हम अपने इस वातावरण का कर रहे हैं कि जो नेचर ने हमें प्रकृति दी है, जो वातावरण है, उसको हम दूषित कर रहे हैं। दूसरा नुकसान क्या कर रहे हैं? यदि हम उसको जलाएं ना और खेत में पलट दें तो क्या मिलेगा हमें? लगभग 1 हेक्टेयर में 28 किलो पोटास मिल जाएगी। और कट्टा कितने का पोटास का? एक कट्टा कितने का आ रहा है पोटास का? हाँ, और 100 किलो पोटास में कितनी मिलती है? 60 किलो। और एक कट्टे में मिलती है 30 किलो, और 28 किलो यानी कि एक कट्टे की पोटास आपने बचा ली यदि आपने उसको ना जला के खेत में पलट दिया। बाबूजी 2 मिनट सुन लीजिए, मैंने 5 मिनट मांगे हैं आपसे, उसके बाद हम इसमें लास्ट में 5 मिनट आप लोगों से चर्चा भी करेंगे। तो पहला काम, यदि हम हाथ से कटवा रहे हैं तब तो हम भूसा बनवाएंगे, मशीन से कटवा रहे हैं तब भी बहुत अब साधन है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे भूसे की वो खड़ी हुई है, भूसा बनवा रहे हैं तो ठीक, उसके बाद भी अवशेष को ना जलाएं। पहला काम तो करना है। दूसरा काम, कुछ वैज्ञानिक हमको, आप लोगों को ये बताते हैं कि आपको ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए, गर्मी वाली जुताई करते हैं, गर्मी वाली जुताई, जुताई करके खेत छोड़ दिया ऐसी, किस लिए करते हैं? कुछ लोग बताते हैं कि हमें हरी खाद करनी चाहिए, यदि हम हरी खाद करेंगे तो गर्मी वाली जुताई नहीं होगी। दोनों ही बातें हैं। अब वहाँ पर दिमाग में चलता है कि भाई हम करें तो क्या करें। एक डॉक्टर आया था हमसे, कह गया भाई खेत को जोत के छोड़ दियो। एक डॉक्टर आया, वो कह रहा है कि भाई हरी खाद बो दियो, क्योंकि हमें केवल 60 दिन बच रहे हैं बीच में। मानेंगे नहीं मानेंगे? क्योंकि 60 दिन बाद तो दूसरा द्वंद्व शुरू हो जाएगा, धान लगना है। कभी इनके लग रहा है, कभी त्यागी जी के लग रहा है, कभी किसी के लग रहा है, लेबर के लिए मारामारी होती है, ऐसा ही होता है। इस 60 दिन में हमें क्या करना है? जैसे ही गेहूं कटता है हमको अपने खेत की गहरी जुताई करके छोड़ देना है। अब उससे आगे आगे गर्मी बढ़ेगी, जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? जो पिछले वर्ष धान लगाया था उसमें कीड़ा आया था, उसमें रोग लगा था, उसके रोग के जो फफूंदी जनित रोग था उसके बीजाणु उस जब मिट्टी में हैं, वो जब गर्मी में धूप पड़ेगी वो सब मर जाएंगे गर्मी से। जो कीड़ा लगा था उसके अंडे या उसका प्यूपा उस खेत में मिट्टी में है, दीमक यदि खेत में है तो उस मिट्टी में है, लगी थी फसल में, वो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए हमने वो उसको जोत के छोड़ देना है बस। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? अब हमें फिर उल्टा चलना है कि हमने ये ध्यान लगा लिया कि हमें 15.09 का धान बोना है, तो 15.09 की रोपाई कब होगी? 15.09 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद हमें रोपाई करनी है, तो उससे 45 दिन पीछे आ जाइए। 15 दिन तो 15 जुलाई के हो गए, और 30 दिन हो गए जून के, तो मई में जाके 15 मई के आसपास उसमें हमें ढेंचा बो देना है। क्या बोना है? ढेंचा। तो हमारी क्या हो गया,
गर्मी वाली जुताई भी हो गई, उसके बाद हमने उसमें ढैचा भी बो दिया तो हमारी मिट्टी का सुधार हो जाएगा। जो उसमें जीवाणु थे वो जीवाणु या वो कीट के अंडे वो सब खत्म हो जाएंगे जो हमारे लिए हानिकारक है। उसके बाद हमने हरी खाद बो दी, हमने उसके स्वास्थ्य के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए टॉनिक दे दिया। जो हमारा माध्यम है, जो हमारी जननी है, हमारे लिए तो वही कारगर है ना मिट्टी। वे किसान के लिए क्या है, जमीन, और जमीन का भी स्वास्थ्य खराब हो तो बेकार है। और यूरिया पर हम कितने दिन खेती कर लेंगे। अभी मैं रास्ते में था, किसी ने मैसेज भेजा कि हमारे एक मंत्री हैं जो रसायन मंत्री हैं, जो उर्वरक का ध्यान रखते हैं, उन्होंने अभी कहीं वक्तव्य दिया कि 2025 से हम यूरिया का आयात बिल्कुल बंद कर देंगे। मतलब बाहर से यूरिया मंगाना बंद कर देंगे, देश में जो बन न्याय जब बाहर से आना बंद हो जाएगा तो मिलना भी कम हो जाएगा। तो अपनी ज़मीन के लिए आदत कैसी डाल लो, तो ज़मीन को इतना सशक्त कर लो कि उसे यूरिया की ज़रूरत ही ना पड़े। तो पहला काम ग्रीष्मकालीन जुताई, दूसरा काम हम उसमें ढैंचा बोएं, या अब हम दो पैसे की आमदनी भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है माननीय मोदी जी का एक सपना है किसान की आय दोगुनी हो। तो हम ये 60 दिन अपने बेकार क्यों करें। इस 60 दिन में हम ऐसी फसल ना ले लें कि जिससे हमारी ज़मीन भी सुधरे और हमारे कुछ आमदनी हो जाए। उसके लिए आप मूंग की खेती, उड़द की खेती या लोबिया की खेती कर सकते हैं। लोबिया की खेती उन किसानों को अवश्य करनी चाहिए जिनके खेतों में मोथा बहुत ज़्यादा होता है। धान में मोथा होता है, धान में एक खरपतवार हो जाता है, घास हो जाती है, इसको मोथा बोलते हैं। जानते हैं मोथा को? आप सब लोग ऐसे शांत बैठे हो तो मेरा मन नहीं लग रहा, बोला करो कि हाँ जी हाँ देखा है मोथा। ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो खेत में घुसा है उसने मोथा ना देखा हो। तो ऐसे किसान को क्या है, लोबिया लगाना चाहिए, और लोबिया की फली तोड़ के बाजार भेज दीजिए आसपास। अब आपके पास में नोएडा पास में है, ग्रेटर नोएडा पास में है, लोबिया की फली आराम से बिकेगी। लोबिया की एक वैरायटी है पंत लोबिया एक, दूसरी वैरायटी है पंत लोबिया दो, जिसमें 45 दिन पर फली आ जाएगी। आपका 45 दिन बाद आपका हरी खाद का भी काम चल जाएगा। उसकी हरी हरी फली सब्जी में बेच दीजिए, मोथे को उसको लोबिया को पलट दीजिए। लोबिया मैं कह रहा हूँ रमास को, ठीक है जी। पंत लोबिया एक, पंत लोबिया दो। आप लोबिया नहीं बोना चाहते, मूंग बोना चाहते हो। मूंग की वैरायटी है विराट, मूंग की वैरायटी है शिखा, 55 दिन की वैरायटी है। अब 55 दिन हमें उल्टे चलना है, जब हमें धान की रोपाई करनी है उससे पहले 55 दिन पहले लगानी है वो, कि जो हमारी फसल भी पूरी हो जाए, हमारी ग्रीष्मकालीन जुताई भी हो जाए, और उसके बाद हम उसको फली तोड़ के उसको खेत में पलट दें, और उसके बाद हम अपना धान लगा दें। क्यों? धान से समझौता नहीं करना, मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़िया हो। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, और इसके अलावा कोई उर्द बोना चाहता है, उर्द हमारे क्योंकि 80-90 दिन की हैं, जिसको धान नहीं बोना वो उर्द भी बो सकता है। उसमें IPU 11-2 नई वैरायटी है, ये 85 दिन की वैरायटी है, आप इसी खेती भी कर सकते हो, आपका मिट्टी का सुधार भी होगा। उसको ऊपर से काट लीजिए, उसमें एक साथ फली आती है उर्द के अंदर, तो उसमें आपको बार बार तुड़ाई की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये मुझे आपको तीन संदेश देने थे। ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करिए। देखिए मिट्टी यदि स्वस्थ बनी रहेगी तभी आपका उत्पादन अच्छा होगा, और यही हमारा समय है। धान कटाई के बाद हमें या तो एकदम सरसों लगानी होती है या गेहूं लगानी होती है, हमारे पास समय नहीं होता। तो इस समय का सदुपयोग करते हुए पहले ग्रीष्मकालीन जुताई करिए, फिर उसमें ढैंचा बोइए या मूंग बोइए या लोबिया बोइए, या उसके अंदर आप हरी खाद करिए ढैंचा की, और कुछ आमदनी लेना चाहते हैं तो मूंग उड़द लोबिया बोइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी खेती चैनल से जुड़े रहिए। कभी आपकी कोई समस्या होती है तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, अपने बेटे के भैया इसमें जरा ये डाल दे कि हमारे धान में कीड़ा लग रहा है, उसका जवाब ये दे पाएंगे तो ये दे पाएंगे, वरना ये हमसे पूछेंगे। आपके पास आपका जवाब, क्वेश्चन का जवाब पहुंचेगा।